अरबों रुपए के घपले में इन्वॉल्व थी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन आसिफ हाशमी जी, एक मरतबा फिर आपसे शेयर करता चलूं जी कि जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया कुछ अर्सा पहले जी, तो वो निजी महफिलों में क्या बयानात देते रहे अपने ही हुकूमत के खिलाफ। वो कहते रहे कि ये हुकूमत कुछ दिन की मेहमान है और अप्रैल के महीने से इसका जवाल शुरू हो जाएगा। ये हालात हैं जी चेयरमैन साहब के, जो जो उन्होंने जब दिया रेजिग्नेशन तो उस वक्त ये स्टेटमेंट्स देते रहे निजी महफिलों में। लेकिन फिर दोबारा उनके मुताबिक, हाशमी साहब के मुताबिक, आसिफ हाशमी साहब के मुताबिक, उनको मजबूर किया गया, मजबूर किया सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने और वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कि वो दोबारा इस पोस्ट पे आ जाए, कि उनके बगैर यहां पे ये महकमा नहीं चल सकेगा। ये किस हद तक दुरुस्त है? ये मिस कोट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को और वजीर आजम को, या ये खुद मनगढ़ंत एक कहानी थी जो आसिफ हाशमी साहब ने अपने लोगों को सुनाई? खैर, मैंने पहले भी कहा था जी, दोबारा कहता हूं कि जब भी हमारी मुलाकात हुई वजीर आजम से, या राबता हुआ वजीर आजम से, या सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब से, तो उनसे ये बात जरूर पूछेंगे हम कि क्या इनके अलावा आपको कोई शख्स नहीं मिला था। आसिफ हाशमी साहब का कहना यह है जी, वो भी ये निजी महफिलों में बातें करते रहते हैं आसिफ हाशमी साहब, कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के बेटे की शादी जब हुई थी तो सब अखराजात इन्होंने बर्दाश्त किए थे। खैर, अगर ऐसी बात है जी तो इस पे हम क्या कह सकते हैं, ये तो वजीर आजम साहब ही बताएंगे और उन्हें बताना भी चाहिए। एनीवेज, बात करते हैं जी हम चार्जशीट पे। चार्जशीट जो इन पे लगाई गई थी वो क्या थी, एक बार फिर देख लीजिए जी आप। ये चार्जशीट आपके सामने जी, मतरूका वक्फ इमलाक, चार्जशीट आपके सामने जी, मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के चेयरमैन आसिफ हाशमी साहब के खिलाफ चार्जशीट जो लगी थी जी, उसमें 14 नकात है जी उसमें। और एक जो चीज बहुत बड़ी हमारे सामने आई, इसमें 1 अरब रुपए की फाइलें महकमे के नाम पर खरीद कर बोगस सरमायाकारी की गई जी। एक इल्जाम ये भी है जी इन पे। और 2 साल में 4 फेडरल सेक्रेटरियों को तब्दील किया गया जी। करोड़ों रुपए की इमारतें सस्ते दामों अलॉट कर दी गई जी। ये है जी करामात, कुछ करामात मैंने आपको बताए, बाकी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है जी। ये कुछ करामात है आसिफ हाशमी साहब के जी, कुछ कारनामे हैं आसिफ हाशमी साहब के जी जो आपके सामने पेश कर रहे हैं जी। जिन लोगों ने ये चार्जशीट बनाई थी जी, उनमें से उनके साथ जो हशर हुआ वो भी सारी दुनिया ने देखा जी। उनको ऐसा सबक सिखाया गया उन सरकारी अफसरों को कि वो आज तक बोल नहीं पाए दोबारा। एनीवेज, आसिफ हाशमी साहब जी दुबई में क्या करते रहे, दुबई में क्या करते हैं, इस्लामाबाद की गलियों और सड़कों में क्या करते रहे अंधेरों में जी, वो भी आपके सामने ही है जी। कुछ लोगों को मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी मैं क्या किस तरफ इशारा कर रहा हूं जी। बट एनीवेज, वो कहां पहुंचे, कैसे पहुंचे और यहां पे कैसे पहुंच गए जी, ये उन्होंने बहुत मेहनत की जी सीट तक आने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनतें समाजतें की थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, जब उनका पहला और दूसरा दौर था, कि किसी न किसी तरीके से उनको सेनेट में शामिल कर लिया गया। खैर, सेनेट में तो उस वक्त शामिल नहीं हुए जी, मियां बरादरान ने उनकी नहीं सुनी थी। शायद मियां बरादरान को पता था कि वो कितने अरबों की करप्शन कर सकते हैं और इसीलिए मियां बरादरान ने अपना हाथ पीछे हटा दिया जी और उनके करीब नहीं आया। एनीवेज, मैं चलता हूं जी। हमारे कैमरामैन जी जलील, जिनका नाम है जी, कैमरामैन हमारे इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं जी, अस्पताल में वो मरहम पट्टी करवा रहे हैं अपनी जी, उनसे पूछ लेते हैं कि हुआ क्या जी। जी जलील जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ था भाई जलील, आप क्या करने गए थे आज और क्या हो गया आपके साथ? सर, हम पीपल पार्टी के एक वर्कर आसिफ हाशमी के ऑफिस में जब पहुंचे तो वहां करोड़ों रुपए का घपला हो रहा था। जब हमने अपने कैमरे के साथ उनको दिखाने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे पे मार पिटाई और धक्के देने शुरू कर दिए और हमारे कैमरा छीना, तो हमें धक्के दे के अपने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तो उसके बाद उन्होंने हमें काफी मारा, हमें काफी चोटें आई, जिसकी वजह से इस टाइम मैं ये मुंशी हॉस्पिटल में
एडमिट हूँ और मुझे काफी चोटें वगैरह भी लगी हैं, मेरे सर पे भी चोट लगी है, मेरी टांगों पे भी चोटें लगी हैं। अच्छा, कितने लोग थे जिन्होंने आपको मारा? सर 10 से 12 बल्कि ज्यादा ही लोग थे जिन्होंने हमें धक्के दिए, हमें मारा। वो अवारा लोग थे, जैसे किसी ने लोग मंगवाए हैं तो वो आए हैं, उन्होंने फोन किया, उनके जो उनसे पीए हैं, जो उनसे मीडिया कॉन्टिनेट है आमिर हाशमी साहब, उन्होंने फोन करके उनको बुलाया, उनके फोन पे वो आए और उन्होंने आके हमें धक्के दिए और हमें ऑफिस से बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है जी, चले अल्लाह ताला आपको सेहत दे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। जलील जी हमारे कैमरामैन जी जो इस वक्त अस्पताल में मौजूद है जी, मुंशी मियां मुंशी हॉस्पिटल है जी ये, और वहां पे इलाज करवा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब वहां पे जो मौजूद है उनसे भी बात कर ली जाए तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा जी। डॉक्टर आजम मंजूर मलिक साहब से बात कर लेते हैं जो इलाज कर रहे हैं जी इन लोगों का, उससे भी बात करते हैं जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप जी? अल्लाह का शुक्र। ये जो हमारे न्यूज वन के लोग हैं जी जो आपसे जेर इलाज हैं आपके, इनकी क्या किस किस्म की चोटें लगी हैं जी इन्हें? असल में ये हमारे पास आए थे विद हिस्ट्री ऑफ फाइट ना, ट्रक सर्विसिंग बोर्ड के साथ, स्टाफ मेंबर के साथ, तो मल्टीपल ब्रूजेज हैं इनके, चेस्ट पे है, नेक पे है, कुछ फेस पे है और हेड पे ना। एक जो शहीद लोधी साहब है उनके, शहीद लोधी साहब तो हमारे रिपोर्टर हैं, उनको कहाँ कहाँ पे चोटें लगी हैं जी? उनके फेस पे है, हेड पे ब्रूज है, चेस्ट पे है और लेफ्ट शोल्डर में पेन काफी। अच्छा, कम्प्लेन है और साथ में ब्रूज। ठीक है, और जो हमारे कैमरामैन हैं जी जलील साहब, हाँ जी कैमरामैन है, उसके राइट ईयर पे और चेस्ट पे ब्रूजेस हैं, राइट ईयर पे उसको काफी पेन है, साथ में जो है ना कंप्लेन कर रहा है, डिफिकल्टी इन हियरिंग। डिफिकल्टी इन हियरिंग, हाँ। अच्छा। वो बस वो उसको हमने उनका जो भी है करके ट्रीटमेंट करके तो उनको अब हमने रेफर किया तो फर्दर ट्रीटमेंट एंड एवेल्युएशन टू द सर्विस हॉस्पिटल। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का डॉक्टर साहब जी।